बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात नौजवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी संक्रमित जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। राहत की बात ये है कि ये सभी जवान रांची रिम्स के डायरेक्टर बंगले के बाहर तैनात थे। कोई भी जवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद के संपर्क में नहीं आया था। फिलहाल अब यहां नए पुलिसकर्मियों को तैनात करने को कहा गया है, लेकिन तैनाती से पहले नए सुरक्षा कर्मियों की कोरोना जांच की जाएगी। लालू प्रसाद का पिछले महीने कोरोना टेस्ट कराया गया था, तब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। उनमें पहले से ही कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। अब एक हफ्ते तक उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। दरअसल चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड से हटाकर इसके निदेशक के घर में शिफ्ट कर दिया गया था। रिम्स के सुरक्षा गार्डों और कुछ मेडिकल कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जेल प्रशासन के निर्देश पर लालू को शिफ्ट किया गया था। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना बीमारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 26,753 हो गई है। न्यूज़ डेस्क।